नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो एक बार आपने जो वीडियो की सॉल्यूशन सीरीज है उसमें अपन डी यू टी एम एस एंट्रेंस 2016 के पीडी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन है जो नया कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, जो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। तो इसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल रहेगी, कौन कौन सी काम की है, उसको मैं इसी प्रकार से आपको अरेंज करके दे दूंगा ताकि आपको जितना पढ़ना है वो इसी से पढ़ना है। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कैनोनिकल फॉर्म का कॉन्सेप्ट वैसे तो सीएसआई या नेट में पूछा जाना चाहिए, पर यहाँ पे पूछ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और पीडी के टोटल चार क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बड़े सिंपलिस्टिक वे में और कॉन्सेप्चुअल टिप्स के साथ अपन देखने वाले इनको। तो जो 16 का पेपर हुआ था उसमें दो क्वेश्चन तो कैनोनिकल फॉर्म पे बेस्ड है, कैनोनिकल फॉर्म बोल दो इनको अपन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं उस पर बेस्ड है, और दो क्वेश्चन है वो वेव इक्वेशन पे। टोटल चार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको किसी भी पेपर की पीडीएफ, सिलेबस, जो भी अपडेट चाहिए उसके लिए आप अपना टेलीग्राम के सर्च बार में एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप @exponentialmathematics2531 सर्च करते हैं तो इसका डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम अपन पूछ सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, चैनल है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट है वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपन इसके एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 4 del 2u upon del x square plus 12 del 2u upon del x del y plus 9 del 2u upon del y square minus 9 y 9 u equal to 9। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी नॉट करेक्ट है, इसका मतलब चार ऑप्शन में से तीन सही है, एक ही नॉट करेक्ट है। तो आपको पहले पता लगाना आना चाहिए कि तीन कौन कौन से सही है। अच्छा क्वेश्चन है, सी एस आई या नेट का क्वेश्चन होना चाहिए, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, सी एस आई या नेट में जो सी पार्ट वाला क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें थोड़ी सी जो डिफिकल्ट ऑप्शन है वो सी और डी ऑप्शन डिफिकल्ट है, ए और भी डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपना काम क्या करना होता है कि आपको इसे कंपेयर करना होता है सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी से। कैसे करते हैं अपन, ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू प्लस जी इक्वल टू जीरो टाइप का दे रखा होता है। तो इसमें आप ए बी सी फाइंड आउट कर लें और बी स्क्वायर माइनस का 4ac चेक करके बता दें कि इक्वेशन पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक। ग्रेटर देन जीरो हाइपरबोलिक, इक्वल टू जीरो पैराबोलिक, लेस देन जीरो इलिप्टिक, ठीक है। तो ये काम करना होता है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कि ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू कितनी है 12 है और सी की वैल्यू कितनी है 9 है। ए बी सी जस्टिफाई हो गए, बाकी वाले टर्म्स अपने को लेना देना नहीं होता, अपने को सिर्फ ये तीन वैल्यू को पता करना होता है। तो ए बी सी आपको पता लग गया, अब आप चेक करो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो लगाओ टर्म, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 9, तो कितना आ गया 144 माइनस का 144 इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो गिवन पीडी, जो भी आपको पार्शियल डिफरेंस दे रखी हो, क्या होगी, गिवन पीडी इज पैराबोलिक। तो जो पीडी दे रखी है वो कैसी है, पैराबोलिक है, ठीक है। तो पीडी पैराबोलिक, तो पहला ऑप्शन है सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक इक्वेशन, बिल्कुल करेक्ट बात है, अपने को बताना नॉट करेक्ट, तो ये ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। आगे बोलते हैं द करेक्टरिस्टिक कर्व आर गिवन बाय जाई इक्वल टू 2y-3x एंड नेटा इक्वल्स टू वाई। अब करेक्टरिस्टिक कर्व कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। करेक्टरिस्टिक कर्व निकालने का तरीका क्या होता है, dy/dx इक्वल्स टू बी प्लस माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। इस इक्वेशन को सोल्व करके अपन क्या निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक कर्व निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक कर्व निकालते हैं तो केस फर्स्ट क्या होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप यहाँ से सोचेंगे कि इससे दो इक्वेशन निकलेंगे, यानी कि dy/dx इक्वल्स टू क्या आएगा, बी प्लस माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यानी कि ये दो इक्वेशन बनेंगी यहाँ से, ये भी पॉजिटिव टर्म है और दो इक्वेशन आ जाएंगी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो y में एक समीकरण आएगा, इसको अपने c1 बोल देता हूँ, y इक्वल टू c2, दो इक्वेशन आ जाएगी, एक को आप बोल दो जाई, एक को बोल दो निट्टा। तो यही इसके क्या बन गए, दोनों करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कब, जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 है और हाइपरबोलिक है। इस केस में दो करेक्टरिस्टिक कर्व आएंगे, दोनों रियल आएंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 है। इसके अगर कैनोनिकल फॉर्म लिखनी हो, सपोज दैट इसकी मेरे को कैनोनिकल फॉर्म भी लिखनी हो साथ में, कैनोनिकल फॉर्म, तो इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म है ना वो ऐसे लिखी जाएगी, यू जाई निटा प्लस लोअर ऑर्डर टर्म। लोअर ऑर्डर टर्म बोलने का मतलब है कि जो आगे जो डेरिवेटिव आएंगे ना वो सेकंड ऑर्डर के नहीं आए, देखो ये यू जाई निटा बोलने का मतलब सेकंड ऑर्डर का टर्म है, ये ऐसा है डेल यू बाई डेल जाई डेल निटा। अब आगे जो भी टर्म आएगी वो लोअर ऑर्डर टर्म में आएगी, पर यहाँ पे ये तो जरूर आएगा इक्वल टू जीरो। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर हाइपरबोलिक बनता है और उसकी कैनोनिकल फॉर्म इस टाइप का ऑप्शन दिखे तो उसको आपको टिक मार्क करना है। यू जाई निटा, जाई और निटा क्या, दोनों रियल करेक्टरिस्टिक कर्व है। अब बात करते हैं केस सेकंड की, केस सेकंड क्या हो गया,
अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac कैसा आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी कि पैराबोलिक बन जाए, जो कि अपना अभी केस वाला केस है वो पैराबोलिक है। इस केस में क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब देखो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो बचेगा क्या, इक्वल टू बी अपॉन 2a बचा सिर्फ, आप देख पा रहे होंगे बी अपॉन 2a। अब जब बी अपॉन 2a बचा है तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन 2a, यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी वाई की, वाई इक्वल टू c1 मान लो, कुछ भी मान लो, इसको मैं बोलता हूँ वाई इक्वल टू जीटा। अब मुझे तो एक इक्वेशन और चाहिए पैराबोलिक, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो दो रूट आने चाहिए, दो इक्वेशन आने चाहिए, एक जाइए आ गई, तो अपन दूसरी मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम वाई इक्वल टू नीटा। और नीटा इस प्रकार से अज्यूम करते हैं कि नीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट टू जीटा। इसके साथ क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए नीटा। एक तो आ जाएगा क्योंकि तो जीरो बनेगी, तो एक इक्वेशन तो मिल जाएगी, दूसरी अपन अज्यूम कर लेंगे जो कि पहले वाली के क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। तो इसके इसमें दो करेक्टरिस्टिक कर्व मिल गया ना, एक तो जाई मिल गया, एक निट्टा मिल गया, ये तो अपन को इक्वेशन सोल्व करने पे मिल जाएगा, ये वाला अपन अज्यूम कर लेंगे। अब अगर इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिखनी हो तो कैसे करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म, इसकी कैनोनिकल फॉर्म ये लिखेंगे अपन, डेल टू यू अपॉन डेल निट्टा स्क्वायर प्लस लोअर ऑर्डर टर्म कर देंगे, प्लस लोअर ऑर्डर टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से बनेगा यू निट्टा निट्टा प्लस लोअर ऑर्डर टर्म। और निट्टा क्या है, अपना अज्यूम करेक्टरिस्टिक कर्व, अज्यूम्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो अपन अज्यूम करते हैं वो वाली टर्म ही आएगी, प्लस लोअर ऑर्डर टर्म आएगी। अब एक बार अपन इसके ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन अपने बता दें कि करेक्ट है, पर आप सी और डी देखो, इसके करेक्टरिस्टिक कर्व में क्या रहा है, डेल टू यू अपॉन डेल निट्टा स्क्वायर माइनस का यू इक्वल टू वन और प्लस का यू। देखो सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है यहाँ पे, तो बहुत टिपिकल काम होगा, दोनों को चेक करना पड़ेगा करेक्टरिस्टिक कर्व के लिए। बट इतनी तो समझ में आ गई ना आपको कि पैराबोलिक होता है तो जो अज्यूम कर्व होता है वही आता है, डेल टू यू बाई डेल निट्टा स्क्वायर, डेल टू यू बाई डेल निट्टा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अपन इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व भी निकाल लेंगे और ये भी बता देंगे इसमें से कौन सा आएगा, ठीक है, दो काम हो गए। अब चलते हैं अगर मान लो केस थर्ड, केस थर्ड अगर क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac कैसा आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, तो इस केस में क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से दो रूट आएंगे पर ये तो दोनों कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यानी कुछ कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, पर अपने को तो रियल करेक्टरिस्टिक कर्व चाहिए होता है, तो इस केस में अपन करेक्टरिस्टिक कर्व क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा अज्यूम कर लेंगे। दोनों के दोनों कैसे होंगे, अल्फा एंड बीटा कैसे होंगे, li होंगे, और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या बनेगी, इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व बनेगी। अब इसकी कैनोनिकल फॉर्म अगर लिखनी हो इलिप्टिक वाली, इसके इसमें इलिप्टिक बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व कैसे, कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे, कैनोनिकल फॉर्म तो वो गिवन होगी यू अल्फा अल्फा प्लस यू बीटा बीटा प्लस यू बीटा अपॉन टू बीटा प्लस लोअर ऑर्डर टर्म, बाकी अब इसके बाद यू की टर्म आएगी, यू बीटा बीटा आएगा, यू अल्फा अल्फा प्लस यू बीटा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, अज्यूम्ड कर्व है। अब अज्यूम कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, तो ये अज्यूम करें इस, अब आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर आप ये चेक कर लो कि पैराबोलिक बनती है, हाइपरबोलिक बनती है, इलिप्टिक बनती है, अगर इलिप्टिक बनती है तो ऐसी कैनोनिकल फॉर्म होगी, पैराबोलिक बनती है तो ऐसी करेक्टरिस्टिक फॉर्म होगी, अगर हाइपरबोलिक बनती है तो आपकी करेक्टरिस्टिक फॉर्म कैसी हो जाएगी, तो उस केस में आपकी ऐसी कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे इसने क्या करा, बीस क्वेश्चन का फोर्स की पैराबोलिक हाइपरबोलिक तो पूछा ही पूछा, साथ में से एडवांस और पूछ लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हर बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन तो जरूर आता है आपका कि बताओ कि पीडी कैसी होगी। देखो यहाँ पे ऑप्शन में पूछ लिया, तो ये तो इसकी सेकंड ऑर्डर पीडी बन गई पैराबोलिक इक्वेशन, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। कैनोनिकल फॉर्म मैंने बता दी कैसे निकालते हैं, अब ये कैसे सोल्व करेंगे ये भी बता देता हूँ, पर उसके पहले अपन बी ऑप्शन पर चलते हैं, द करेक्टरिस्टिक कर्व आर गिवन बाय दिस। अब देखो करेक्टरिस्टिक कर्व निकालने का तरीका क्या है, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाली टर्म तो जीरो है और b की वैल्यू कितनी है, 12 है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/2, यानी कि ऐसे बोल सकता हूँ कि 2y माइनस का 3x इक्वल्स टू क्या आ गया, c1 आ गया, यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 2y माइनस का 3x इक्वल्स टू जीटा बोल दिया मैंने, तो 2y माइनस एक्स को जीटा बोल दिया। अब आपको नीटा और चाहिए, नीटा कैसा होगा, तो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैं एक्स ले लेता हूँ तो भी काम कर जाएगा, मैं वाई ले लेता हूँ तो भी काम कर जाएगा, 2x भी कर जाएगा, 3y भी कर जाएगा, वो भी इसके क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो एक तो 2y माइनस का 3x आएगा, दूसरा इसके li आएगा। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है नीटा इक्वल्स टू वाई, तो वाई इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक और इस क्वेश्चन से दिए जा सकते हैं, तो ए और बी भी करेक्ट है, अपन को तो नोट करेक्ट बताना है। अब बात करते हैं सी और डी की, कि ये निकालेंगे कैसे। अब इसका निकालने का तरीका बता देता हूँ आपको मैं, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अब आपको क्या करना है, यू फंक्शन किसका है, एक्स वाई का, एक्स वाई फंक्शन किसका है, जाई और नीटा का। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा इसको,
यू अक्स अक्स निकालो तो बनेगा यू जाई जाई, यू अब जाई अक्स बनेगा। अब जाई देखो जाई किसका फंक्शन है, आप डेल जाई बाई डेल एक्स करोगे, डेल जाई बाई डेल एक्स करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का थ्री आएगी। डेल जाई बाई डेल वाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल जाई बाई डेल वाई करेंगे उसकी वैल्यू आएगी टू आएगी। तो ये सारी वैल्यू, ये वैल्यू यू एक्स एक्स, यू वाई वाई, यू एक्स वाई, यू एक्स, यू वाई और यू, ये सारी वैल्यू आप जाई और निटा के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, किससे, बाई चैन रूल से डेरिवेटिव करके, क्योंकि यू फंक्शन किसका है एक्स वाई का और एक्स वाई फंक्शन किसका है जाई और निटा के। तो ये सारे के सारे आपको सोल्व करना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास जो यू एक्स एक्स है वो यू जाई जाई की फॉर्म में बन जाएगा, यू निटा निटा की फॉर्म में बन जाएगा। तो अब इसी से क्या होगा, इसी से आपको पता लगेगा कौन सी बनेगी। पर यहाँ पे देखो, अब सारे डेरिवेटिव, ये वाला डेरिवेटिव निकालो, ये वाला डेरिवेटिव निकालो, ये वाला निकालो, ये वाला निकालो, सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करो, फिर पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब जा आपके आपको पता लगेगा कि यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा। पर इसके ऑप्शन के जो आंसर की दे रखी है उसमें बोल रखा है कि डी ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा। तो अपन इसको याद कर लेते हैं कि इसमें ऐसे सोल्व करते हैं। पर अब इसको सोल्यूशन, इसका सी ऑप्शन में ऐसे नहीं बोल रहा कि इसको रट लो, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि इसका आंसर तो डी हो जाएगा पर इस केस में माइनस आएगा। ये माइनस आया कैसे, इसका तरीका क्या है, आपको यू एक्स एक्स, यू एक्स वाई, यू वाई वाई और पूरा यू निकाल के चेक करना पड़ेगा, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो पूरा क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं आप तो कम से कम 7 से 8 मिनट मान के चलिए आप, तो 7-8 मिनट एक क्वेश्चन में दे देंगे तो कैसे काम चलेगा, इसमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे और कहीं छोटी मोटी प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है पीडी का, जिसको आप स्किप करने के लिए मैं बोल रहा हूँ और जिसको करना चाहिए, वो सीएसआई या नेट में अगर ये आता है तो वहाँ पे ऐसे करीब ऑप्शन नहीं देता, अगर मल्टीपल सेलेक्ट भी होता है। यहाँ पे मान लो 2u3 का प्लस टाइप का दे देता, यहाँ पे मान लो जाई लिख देता, सपोज अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा होता डेल 2u1 डेल जाई स्क्वायर, तो आप देखते ही बोल देते कि अगर पैराबोलिक है तो सिर्फ निटा वाली टर्म आएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा सी ऑप्शन करेक्ट मार देते, एबीसी करेक्ट हो जाता, डी करेक्ट रॉन्ग हो जाता। पर इसने बहुत करीब ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे सिर्फ प्लस का ही फर्क है। इसका मतलब पूरी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके चेक करना पड़ेगा, इतनी मेहनत इस क्वेश्चन में आपको नहीं करनी है। बट तो क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने का, पूरा कॉन्सेप्ट बताने का लॉजिक ये था कि कहीं अगर सेकंड ऑर्डर पीडी पूछ ले, करैक्टरिस्टिक कर्व पूछ ले और कैनोनिकल फॉर्म पूछ ले, तो एटलीस्ट आपको कैनोनिकल फॉर्म तो पता होनी चाहिए ना कि पैराबोलिक की फॉर्म की ऐसी होती है, इलिप्टिक की कैसी होती है, हाइपरबोलिक की कैसी होती है। अगर इतने करीब ऑप्शन नहीं भी आएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं, जिसको पूरे पीडी में आज तक पूछा गया डीयू के एग्जाम में। बट ये सीएसआई या नेट और गेट लेवल का क्वेश्चन है, एमएस एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। सो आई होप आप इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट और जो लॉजिक थे ना वो आपको समझ आ गए होंगे। इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं था जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा हूं, बहुत ही सिंपल था, आप इसको देख सकते हैं कि इजीली, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला बेस्ड कार्यक्रम है तो आप इजीली कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द वेव इक्वेशन यू टी बराबर 16 यू एक्स एक्स द करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट आर, वापस से वही पूछ लिया, करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट बोल दे, करेक्टरिस्टिक कर्व बोल दे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दे, बात तो एक ही है कि एक्स प्लस 16 टी नीटा इक्वल्स टू, ये सब सोल्व करना है आपको। तो सिंपल वही आपको मैंने एक ही तरीका बता रखा है, यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू प्लस जी इक्वल टू जीरो करके चेकआउट करो। तो यहाँ पे चेक करेंगे उसको ऐसे लिख सकते ना, 16 यू एक्स एक्स माइनस का यू टी टी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी, 16 हो गई, बी की वैल्यू 0 हो गई, सी की वैल्यू माइनस का 1 हो गई, ठीक है। अब चेक करो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी तो 0 है माइनस का 4, ए की वैल्यू 16, सी की वैल्यू माइनस का 1, तो कितना बन गया, 64 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो क्या बन जाएगा, ये हाइपरबोलिक पीडी होगी, हाइपरबोलिक, ठीक है। अब हाइपरबोलिक में आपको पता है अभी अपने चेक करा कि दो रियल करैक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट आएंगे, या रियल करैक्टरिस्टिक निकालेंगे कैसे, dy बाई dx इक्वल्स टू बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे y नहीं है, y की जगह t है, तो अपन क्या लिख देंगे, dt बाई dx इक्वल्स टू b की वैल्यू 0 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac वैल्यू कितनी, 64 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी, 16, तो 64 का रूट 8 आ जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या बन जाएगा, 32, यानी कि क्या बन गया अपने पास, अपने पास ये बन गया dt बाई dx इक्वल्स टू 1/4, यानी कि ऊपर तो 8 था नीचे 32 था, इसको छोटा तो 1/4, और प्लस माइनस का साइन भी आएगा। क्यों आएगा प्लस माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस का साइन ये वाला चल रहा है, बी तो 0 है तो ये प्लस माइनस का साइन चलता रहेगा, यानी कि dt by dx इक्वल टू प्लस माइनस का 1/4। ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि 4t इक्वल्स टू प्लस माइनस का x प्लस, या इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस का 4t प्लस c1, ऐसे बोल सकता हूँ कि x प्लस 4t इक्वल टू c1 x माइनस का 4t इक्वल टू c2। तो आपके पास दो करैक्टरिस्टिक कर्व आ गए, एक्स प्लस 4t एक्स माइनस का 4t, इसको एक को जाई बोल दो, एक को निटा बोल दो। अपन पहले बोल चुके हैं हाइपरबोलिक होगा तो दोनों रियल आएंगे, यानी कि एक्स प्लस 4t इक्वल्स टू जाई
एंड एक्स माइनस का 40 इक्वल टू नीटा, ये दो करेक्टरिस्टिकर इसके पास अपने पास मिल जाएंगे, एक्स प्लस 40 और एक्स माइनस 40, क्योंकि हाइपरबोलिक है तो पीछे वाले क्वेश्चन का यहाँ पे भी एप्लीकेशन होगी, पीछे वाले क्वेश्चन में अपन को पता चल गया था पैराबोलिक का, तो एक अपन को अज्यूम करना पड़ा था, यहाँ पे अपन को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अगर यही बीस का माइनस का 40 लेस देन जीरो होता तो अपन को दोनों अज्यूम करने पड़ते, जो कि कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और गिवन इक्वेशन को कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो यहाँ से पता चल गया एक्स प्लस 40 और एक्स माइनस का 40, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्स प्लस 40 और एक्स माइनस का 40। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि कैसे बीस का माइनस का 40 को जीरो करा और कैसे नहीं करा। बड़ा सिंपल था, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बस सिंपली बीस का माइनस का 40 सॉल्व करो और डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी, जो अपन छोटी क्लासों में सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करना है। तो दोनों क्वेश्चन सिंपल थे और जो कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे बेस्ड थे, समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वेव इक्वेशन की, और बहुत ही सिंपलेस्ट पार्ट है कि लेट यू एक्स टी बी द सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स इक्वल टू यू टी टी और यू एक्स जीरो इक्वल टू कोस फाइव एक्स यू टी एक्स जीरो, ये सब दे रखा है, ठीक है। अपन इक्वेशन क्या होती है, अपन ऐसे लिखते हैं ना, यू टी टी बराबर सी स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स, ठीक है। और विथ इनिशियल कंडीशन दे रखी है आपको, जो इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, यू एक्स जीरो इक्वल टू होता है एफ एक्स और यू टी एक्स जीरो इक्वल टू होता है जी एक्स। तब इसका सॉल्यूशन अपन ऐसे लिखते हैं, यू एक्स टी इक्वल्स टू वन अपॉन टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस का सी टी प्लस वन अपॉन टू सी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिखते हैं अपन एक्स सिंगल अंक्स इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी और जी एस डी एस कर देते हैं। अब यहाँ पे जी की वैल्यू तो दे रखी है आपको जीरो दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कोस फाइव एक्स दे रखी है, और सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है वन, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है वन। सारे डाटा इस इक्वेशन में पुट कर दो, सोल्व कर दो, यानी कि अपने पास है यू एक्स टी इक्वल्स टू वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी, ठीक है, एफ एक्स एक्स प्लस सी टी एंड प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस का सी टी ये प्लस वन अपॉन टू सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी और जी एस डी एस। अब जब जी की वैल्यू जीरो तो ये वाली पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी, आगे वाले सब कुछ आएगा नहीं। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, कोस फाइव एक्स दे रखी है, इनिशियल कंडीशन ये दे रखी है और यू वन वन पूछा है। सिंपल फॉर्मूला है ये, इनिशियल कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन मैं सोल्व करा चुका हूँ आपको, इंपॉर्टेंट जो चार वीडियो डाले हुए हैं पीडी के, उसमें से एक वीडियो में ये क्वेश्चन भी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, शायद ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम भी करवाया हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, और यू वन वन पूछा है, ठीक है। तो अभी यह क्या बन जाएगा, वन अपॉन टू एफ ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है कोस फाइव एक्स, यानी कि कोस ऑफ फाइव एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस सी टी, एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है वन इंटू टी, एफ एक्स माइनस सी टी मतलब कोस फाइव पाई इंटू एक्स माइनस सी टी यानी कि टी, ये बन गया। आगे वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू अपन को क्या, ये तो क्या बन गया अपना यू एक्स टी बन गया, अपन को निकालना है यू वन कोमा वन विच इज इक्वल्स टू वन बाई टू कोस फाइव पाई इंटू वन कोमा वन यानी कि वन प्लस वन प्लस कोस फाइव पाई वन माइनस का वन, ये निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा, वन बाई टू कोस टेन पाई प्लस कोस ये वन माइनस का जीरो, कोस जीरो बन जाएगा, कोस जीरो आपको पता है कोस टेन पाई की वैल्यू भी वन होती है, कोस जीरो की वैल्यू भी वन होती है, तो वन प्लस वन बाहर वन बाई टू यानी कि वन बाई टू इंटू टू विच इज इक्वल्स टू वन। तो यू वन वन की वैल्यू कितनी आ गई, यू वन वन की वैल्यू आ गई आपकी वन आ गई। तो यहाँ पे यू वन वन ही पूछा है तो यू वन वन की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन फॉर द वेव इक्वेशन यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स होता है, यू एक्स जीरो पे एफ एक्स होता है, यू टी एक्स जीरो पे जी एक्स होता है, ये फॉर्मूला लगाना होता है, सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। यू एक्स टी बराबर वन बाई टू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस का सी टी वन अपॉन टू सी। आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर जी भी दे रखा होता है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लिमिट पुट करनी पड़ती, सोल्व करना पड़ता, पर ये जानबूझ के ये लोग जी को जीरो देते हैं ताकि आप इजीली ये फॉर्मूला लगा पाओ, सिंपल से वैल्यू पुट करनी है, सिंपल से सोल्व करना है, वन आंसर आ जाएगा। क्या ही दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, तभी तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। डीयूटी एग्जाम में एकदम टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पूछे जाते हैं तो उनको आप छोड़ सकते हो, उनके बिना भी आपका इजीली नंबर आ जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन तो कोई हार्ड पूछ नहीं सकता, मैक्सिमम 50 में से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा टिपिकल जो आपको छोड़ने, छोड़ दो उनको, बाकी 40 बचते हैं वो तो सोल्व करो कम से कम, और 40 भी नहीं करने, 20 में काम हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के, इस पर कंसिडर द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, सेम क्वेश्चन है, यू टी टी बराबर सी स्क्वायर यू एक्स एक्स सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन यू एक्स जीरो यू टी एक्स जीरो, देखो वापस से एफ एक्स इक्वल टू जीरो दे दिया, एंड द बाउंड्री कंडीशन यू जीरो टी इक्वल टू जीरो टी ग्रेटर, ये यूजलेस है, कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पे ऐसे भी देता ना यू एल टी इक्वल टू जीरो, तब आपको क्या करना पड़ता, तब आपको बाउंड्री वाली प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ती, तब आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखा रखा होगा
यू एक्स टी इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल कोस अल्फा सी टी प्लस बी एन साइन अल्फा सी टी ई एन और बी एन, वो तब सॉल्व करते थे, आपको ये कंडीशन भी दे रखी होती, पर यहाँ पे तो दे ही नहीं रखी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये कोई यूजलेस कंडीशन होगी। ये तो आपको सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इनिशियल कंडीशन लगानी है। कैसा बन जाएगा फॉर्मूला, यू एक्स टी इक्वल्स टू वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस का सी टी और प्लस वन अपॉन टू सी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी और जी एस टी एस, वही बात देखो। और जहाँ पे यू एक्स जीरो इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, और यू टी एक्स जीरो इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स होता है। तो जी एक्स की वैल्यू तो इसने क्या दे दी, जीरो, एफ एक्स की वैल्यू दे दी इसने मोड ऑफ साइन एक्स, ये तो जीरो दे रखा है, साफ साफ देख सकते हो कि यू टी एक्स जीरो की वैल्यू जीरो है, साइन एक्स दे रखा है, तो वही बात है। और यहाँ पे देखो ये जरूर दे रखा है यू टी टी इक्वल टू होता है सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दो, क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू फोर दे रखी है, ये देख सकते हैं आप, तो सी की वैल्यू दो आ गई। अब सी की वैल्यू दो है, एफ एक्स की वैल्यू मोड साइन एक्स है, सारी वैल्यू पुट करनी है और यू पाई कोमा पाई बाई फोर निकालना है, तो बहुत ही सिंपल काम बन गया। अब तो यहाँ से यू एक्स टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाई टू एफ के मतलब मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी टी, यानी कि एक्स की जगह एक्स प्लस टू टी प्लस साइन एक्स माइनस टू टी मोड और पूरा प्लस वन अपॉन टू सी वाली टर्म तो आएगी नहीं क्योंकि जी जीरो तो जीरो बन जाएगा, इज इक्वल्स टू वन बाई टू, अपने पूछा है यू पाई कोमा पाई बाई फोर पे, तो कर दो वैल्यू पुट, तो मोड ऑफ साइन पाई प्लस टू इंटू पाई बाई फोर मोड प्लस मोड ऑफ साइन पाई माइनस टू इंटू पाई बाई फोर मोड क्या बन जाएगा, वन बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू, तो मोड ऑफ साइन थ्री पाई बाई टू प्लस साइन, अब ये पाई बाई फोर इंटू टू तो पाई बाई टू, पाई माइनस का पाई बाई टू तो साइन पाई बाई टू, इसका मोड ये वैल्यू क्या, साइन थ्री पाई बाई टू वैल्यू कितनी होती है माइनस का वन, पर वन बाई टू मोड ऑफ माइनस का वन प्लस वन का मोड इक्वल्स टू ये वन वन प्लस तो वही वन बाई टू इंटू टू इक्वल्स टू वन, तो वन आ गया। तो देखो चार क्वेश्चन पूछे गए थे, कॉन्सेप्ट दो थे, ये देखो लास्ट के तो ये वाला क्वेश्चन भी वेव इक्वेशन पे बेस्ड था, ये फॉर्मूला लगाना था, इसमें भी आपको ये फॉर्मूला लगाना था, दोनों सेम क्वेश्चन थे, इसमें भी यही फॉर्मूला लग रहा था, इसका आंसर भी बना रहा था सेम कॉन्सेप्ट पे, ये दोनों क्वेश्चन थे, और इसके जो पहले वाले दोनों क्वेश्चन थे वो करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट पे थे, तो दोनों में आपको करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट निकालने थे, दोनों में वेव इक्वेशन को सोल्व करना था। तो चार क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन चार नंबर का आता है, सोलह नंबर की पी डी आई थी, एक क्वेश्चन छोड़ सकते थे, छोड़ने चाहते थे, और बाकी 12 नंबर तो आप फोकट में से 5 मिनट में ले सकते थे चुटकी, मैंने तो पूरा एक्सप्लेन करके सोल्व करा, आपको इतना एक्सप्लेन करना ही नहीं, आपको तो आंसर निकालना है। अगर कोई बोलता है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, ऐसे अगर आप चार चार क्वेश्चन सेम सेम कॉन्सेप्ट पे कर लेते हो तो आपको सब कुछ दिमाग में छप जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 2016 से लेके अपन ने 2021 तक तो सोल्व कर लिए पीडी, कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो एकदम नया अचानक से आए हो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, तो बाकी सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट हो रहे हैं तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ पी वाई क्यू जरूर सोल्व करो, सारा काम हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस पी वाई क्यू सोल्व करने से सारा काम हो जाएगा। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कोई भी डाउट होता है कैसा भी कमेंट होता है आप जरूर करें, आपकी जरूर पूरी सहायता करने की कोशिश की जाएगी। सो अच्छे से देखें और की पॉइंट नोट डाउन करें। सो थैंक यू।